गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं फिलहाल मेरे गांव आई हूँ। गांव में मेरा तीसरा दिन है। सो आज मैं फैमिली के साथ घूमने जाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं दिवाली का ब्लॉग नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा बिजी थी और मुझे गाँव भी आना था तो पैकिंग करना था उसको, इसके लिए। सो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल पिंकी गुप्ता ब्लॉग्स। एंड आई होप आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से इंजॉय की होगी। फिलहाल मैं अभी मेरी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ अलाहाबाद प्रयागराज के लिए, रेडी हुई हूँ एंड वहाँ पे संगम नहाने वाली हूँ। सो बहुत ज़्यादा मतलब मज़े करने वाली हूँ, तो व्लॉग को पूरा देखना। और अलाहाबाद में जहाँ मैं घूमने वाली हूँ पूरा मैं मतलब आप लोगों को बताऊँगी। एंड हमारे घर से पास में है, मतलब इतना पास में भी नहीं है, तो अराउंड 1.5 या 2 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। सो व्लॉग पे पूरे बने रहना। और वीडियो चलो अभी जल्दी से रेडी हो जाओ यार, मैं चले जाती हूँ, तुम मोबाइल तो पकड़ लो। ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? लोगों को समझ में नहीं आएगा, हिंदी बोलो हिंदी। लोग बोलेंगे ये देखो, ये हाय कर रही है, हाय। चलो अभी इस मोबाइल मम्मी अभी रेडी। तू चुप कर, चल मैं झोला ले लेती हूँ, ये लो ले लेती, चल आ जा। ये गाइस देखिए, मेरी सिस्टर बैग लेकर चल रही हूँ पहली बार, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर जा रही है। यस, मस्त लग रही है न्यू चप्पल, ये मैं लेके आई, मस्त लग रही है सही में इनकी। यार तो मम्मी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो तो अभी कपड़े पहन रहा है एक घंटे, मोजा गंदे हैं, हम नहीं जानते हैं। नहीं तू अच्छा लग रहा है। फोर व्हीलर में ना रही काम। हेलो ना यार, तुम कहे आए? हाँ देखो गाइस, मेरे मम्मी पापा बड़े पापा सब खड़े हैं। ये मेरी मम्मी कितनी खुश है। मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी कहाँ जा रही हो? वो खड़ी है गाड़ी, अब हम इस गाड़ी पे जाएंगे गाइस। सबसे पहले बैठेगी क्या गाड़ी? वहाँ वाला है धर। पापा तुम सबसे पहले बैठोगे क्या गाड़ी में? तो पापा बैठ जाओ। पापा सबसे पहले बैठेंगे। मम्मी हाथ में चार्जर क्यों लेके आई हो? ये हमारे घर का हीरो आ गया है, अभी आ गया है। चलो अब चल रहे, इसका वेट कर रहे थे, ये तैयार हो रहा था, इसको शादी में जाना लगता है। चलो भाई, चलो चलो भाई बैठ ले। चलो भाई उतरो, ये देखो कहाँ आ गए हम रिंकी। अला मम्मी तुम उतर जाओ, ले भाई पहले हम चले तो सही, बाद में हाँ चप्पल उतार देते हैं, सही बात है, चप्पल उतार दो। अजय चप्पल उतार दे, हाँ पहले हम जाके हम वीडियो बनाएंगे। हाँ लेबे लेबे। गाइस हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद के संगम में। कहाँ आ गए रिंकी हम? इलाहाबाद के संगम में देख सकते हो पीछे गंगा यमुना सरस्वती, ये संगम है इलाहाबाद का। तो हम लोग आ चुके हैं, अरे पैदल बड़े पापा देख लीजिए ना, सब कोई पैर नहीं उतर रही है, यही से नहाना चालू कर दी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का लोकेशन, वाओ। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ।
चलो चलो मम्मी चलो, कहाँ नहाई दे आप देख के तो आई हम। चलो 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 मम्मी वहाँ पे कहाँ पे ज्यादा वो है देख वहाँ पे पानी है। ये मेरी मम्मी और बहन ऐसे टहल रही हैं जैसे वॉक करने ना आई हूँ। पापा लोग क्या कर रहे हैं वहीं पे पता नहीं, पापा लोग क्या कर रहे हैं ये कितनी गई है, कहाँ गई है तो है बीच में। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखना ठीक है। अभी हम लोग भी नहाने जा रहे हैं, वो भी नाव में बैठ के महासंगम में नहाएंगे हम लोग। ये वाली है ओके। चल के जाना पड़ेगा हमको, चल के उसका इधर आओ बता फीली दिखे फीली फीली ये कौन सी, रुक जाओ सबर रखो जरा। ये बैग कितना अरे नहीं लेना भाई कितने गया इसको दाना दे दो पांच में देंगे पांच किलो नहीं है पांच वाला खत्म पापा पुण्य कर देंगे कर दो छूटा नहीं मेरे पास मम्मी को आंसर रुको मम्मी को ये नाव वाले को दे दे नाव वाले को नाव वाले के पास नाव से ले लो और नाव वाले भैया कहां है देखो कल अरे वो बुला रहे हैं आ ले 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 उनसे लाइक दे देना उनसे लाइक दे देना चेंज नहीं रहने दीजिए हमारे पास आज तेरे पास 10 रुपए छुट्टा है ले लो दो ना लौट के नहीं देना हमें एक ले ले एक एक लेना है पांच वाला नहीं है दस वाला दे दे भाई आज वाला दे रहे हैं 10 रुपए दो चलो दस लिए अपने अंकल नहीं है 10 रुपया नहीं है। चलो बैठो बैठो तुम लोग नाम बैठो हमें लेके कहां है ना वो बैठो बैठो जाओ ला रहा है दूर जाना मम्मी अब नहीं लेना है अभी अब ले लिए हैं पाँच चलो। हेलो गाइस देखिए अब हम लोग बोट में बैठने जा रहे हैं। चलो हाय हमारी नाव कौन सी है इनकी देखिए हाँ। तो गाइस अब हम नाव में बैठे कैमरा से पकड़ना संगम करने जा रहे हैं। ये देखो हमारी नाव चलने लगी तो बाबा जय श्री राम जय श्री राम जय गंगा माता की बोल। राम जी यहाँ पे आए थे तुझे पता है नहीं आए रहे नहीं आए क्रॉस नहीं गिन रहे नाव से यहाँ पे नहीं अच्छा गंगा माता चलो सरस्वती गंगा जमुना जी ये तो जमुना जी ये तो जमुना जी है ना ये जमुना जी अभी हम गंगा जी हाँ तो ये गहरी है गंगा जी नहीं है ज्यादा गहरी देखी है यमुना जी में इसलिए तो कोई नहाता नहीं गंगा जी यमुना जी बहुत जबलपुर में देखो नर्मदा जी पैसा 10 रुपए बच गए ये तो खवा दिया तो फिर हम का खाओ पर पूरी नाव ना पापा मैं खोल लो खिलाते जाना वो देखो वो चिड़िया कितनी सारी खोल ले मम्मी पैक चिड़िया मैं भी खिला दूं खिला दूं अरे एक साल हम आए रहो तो कौन है मछली बार बार को दाई रही
ये दाने लिए, अब ये खिलाएगी, दाने खिलाएगी रिंकी हमारी चिड़िया को। मेरी मम्मी भी दाने लेके बैठी है। ये कौन चिड़िया? भगवान कबूतर है तो कौन सा है? ये बढ़िया है यार, यमुना जी में टायर लेती हूँ। अभी नहीं, वो डर के भाग गए बेचारे। ये लो खाओ, ये दाने खाओ, दाने खाओ। हाँ इनका ग्राउन है, वो ग्रीन है और उनका ब्राउन। हाँ ऊपर वहाँ से चेंज है, सही है, वो ब्राउन ब्राउन कलर का है। वो गंगा माता ब्राउन कलर, ये यमुना माता ग्रीन। हाँ हाँ सही है, ये गंगा माता की। जय पानी अलग हो गया। हाँ बढ़िया, हर हर गंगे, गंगा माता और ग्रीन माता। देखो पानी अलग अलग। सो गाइस देखो पानी आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, ये ग्रीन है, वो ब्राउन है, दो कलर का पानी है। और सरस्वती माता दिखती नहीं है कभी, देख सकते हो गाइस। ये गंगा माता ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की। पापा पर गंगा जी में भी नाव नहीं, यमुना जी में नाव क्यों ऐसा? भैया का पूछो, भैया गंगा जी में नाव क्यों नहीं चलती, यमुना जी में क्यों चलती है? ये उसका बहाव ज्यादा है ना। अच्छा आइएगा आप लोग। अच्छा यमुना जी शांत है और गंगा जी का पानी बहुत बड़ा। चलिए चलो, भेज डालो। अब पापा हम उठेंगे, चलो पहले हम गंगा जी को नमन करेंगे। जय हो गंगा जी। यहाँ भी नहा सकते हैं। इधर आओ पापा। 40 फीट गहरा गंगा जी सच में बहाव बहुत बहुत है, बहुत बह रहा है। यमुना जी शांत है एकदम से। आप लोग चले चप्पल नहीं रहेगा। हाँ हाँ हम चित्रकूट के हैं, पहली बार आया ना। मैं 18 साल बाद आई हूँ। बहुत दिन के बाद। 18 साल कपड़े से लिया भाई साहब। जगत माता जगत पिता याच काम तीर्थ में देही तीर्थ राज प्रयागराज महाराज राजो के राज
नमत तस्सई नमो गंगे महागंगे गंगा भागीरथी वल्लभे वहते त्वाम महादेवी नमत तस्सई श्री त्रिवेणी माता आपका भाई भाई भैया अब हमारा नंबर लगेगा खड़े की देख से ओए पानी बाहर गिराओ नाम भर रहे हो पानी बाहर गिराओ चश्मा तू तो पागल है जाओ बहन जाओ चश्मा बाहर तुझे दिखेगा नहीं हाँ वाली तहन देगा अबे तू जाओ ने गैस देखिए मेरी सिस्टर और मम्मी नहा रही है संगम में उसको थोड़ा डर लग रहा है वो अबे दो बार बार तीन बार बहुत ठंडा है बैठ का बहुत ठंड है मोबाइल पकड़ो मैं चश्मा डाल रहा हूं पापा चश्मा बड़े बड़े पापा तेरे चश्मा गंगा में आया है रोज आएगा बेटे इतना पैसा खर्चा कर दिया पापा रिंकी आ रही है रिंकी देखो था पहले अच्छे से पापा इधर का इधर देखते नहीं है नहा चुके जल्दी आओ चलो ऊपर आओ नहा एक दाव नहा पागल उधर मत चली जाना उधर गहरा उधर पटा लगा हुआ है तो गिर जाएगी अभी ये सही बढ़िया है पाए तुम लोग अभी वो और नहा रही है देख देख पापा अरे भैया गए गहरा बहुत है पर पटा लगा हुआ नीचे से पागल पटा लगा हुआ उधर पर रखे कि गहरा है पटा लगा हुआ लकड़े का इसलिए तो हाँ लकड़ी का पटा है नहीं गहरा पागल वाली हर हर गंगे देखो रिंकी कैसे मजे ले लेकिन भाई मेरे को गिरा मत देना तू दिस इज नॉट स्विमिंग पूल समझे समझ गए हो नारियल नारियल वाले को दे कैसे दे महापुण्य ने भट आल है तू ये बन्नी अम्मा आप यहां प्लस करके दे अपना चिल्ली चिल्ला अम्मा अम्मा ये कर निकाल ये बंबू का कोपान एका पहले है बच्चों बाद में कहावत है चलो अब गंगा जल भर लीन जाए होएगा
लाओ गंगा जल में भरियो या तुम मम्मी पापा बैग पकड़ा दे मम्मी पानी ले लेते चलो ला मम्मी वाली में ले लेते चल चल अभी मैं गंगा जल भर लूंगी फिर चलेंगे हाँ बगल भर लो बगल डिब्बा लाए हाँ डिब्बा लेके आए वहाँ से भरेंगे हाँ पापा भर ले उस साइड हाँ पापा लो गंगा जल भर लो कितने की 25 के अरे 10-10 रुपए तो 10-10 रुपए मिलते हैं ना बीचों बीच कहाँ से हम लाई सफेद पानी भरना भैया थोड़ा और बीच में ले चलो थोड़ा भाई पीछे ला थोड़ा सा अब भर लो ये रही गंगा जी गंगन जी यहाँ पानी पता तो चला था गंगा जी है नाव वो बहाव इतनी ज्यादा नाव नहीं जाएगी पीछे सब चल जाए पीछे फेंक देती नाव तो बस पापा भर गया ये देख जमुना जी का पानी भर गए हाँ जमुना जमुना जी भी भर गए गंगा जी का पानी पीना है हाँ गंगा जी का पानी हम पियेंगे ना एक दिन यहाँ ये देखो रिंकी की चल रही है सज्जन सवरना गंगन जी बस नहीं पता घूमे सही बात है तो गाइस सभी ये खाना खा रही है मेरी मम्मी भी खाना खा रही है अभी खाना खाने का टाइम है पापा मेरा काजल फैल गया काल काली कलूटी दिखती है देखो चाबी देख ही गया गंगा नदी है ना मुझे दो पानी लेगा सब पापा गंगा जल ला अंदर यहां पे थोड़ा जमुना जी ले आओ अहमदाबाद की मूली पता कड़ू कड़ू रहती है जब खा लेना पंखी गाइस अभी मेरी मम्मी मेकअप वेकअप कर रही है मैं भी थोड़ा मेकअप वेकअप करूँ थोड़ी अच्छी दिखूँ इयर रिंग्स वगैरह मैंने पहन लिए हैं पाउडर लगा मेरी बहन भी मेकअप कर रही है पाउडर लगा दिया तो मैं भी थोड़ा मेकअप कर लूँ पाउडर दे दे मम्मी गाड़ी में ही काजल मेरा फैल गया पापा दे दे लो यार मेरे को दो ना पूछ आज यहाँ खाए तो शीशा मेरे को लिपस्टिक लगानी है मेरी मम्मी तो वैसे भी अच्छी दिख रही है ये मर जाती आदमी के तो यही नहाया होगा थी ना ये सब तो खराब लगते हम अच्छे लगा मम्मी कुछ लगाए हो गया लाओ मम्मी यार शीशा दो यार फटाफट ले इसको देखो इसको ये तो मोबाइल पे मेरा अजय पानी एक बोतल से शीशा ने लाया होगा तो खराब नहीं थी खा रहा हूं ना खा सो गाइस देख रहे हैं आप सभी अभी हम सब फोटो खिंचवा रहे थे तो बहुत अच्छी फोटोस आ रही थी अभी यहाँ पे सो गाइस एक्चुअली मैंने चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा सर दुखने लगता है अरे आंखों से नहाने को अभी फोटो वोटो क्लिक करी है हम लोगों ने काफी अच्छी फोटोस आई है फैमिली के साथ फोटो वगैरह क्लिक करवाई है एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सो बहुत अच्छा लगा और मैंने तो दो बार मतलब दुखी मारने गई ये मेरी बहन को देखो फोटो कैसी आई हेलो गाइस ये मेरी सिस्टर है छोटी पर दिखने में मेरे से बड़ी लगती है मम्मी अभी फोटो खिंचवाने चलते हैं वहाँ पे नदी के पास चलो
ठीक है जी। शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे शिवाय शंकरा भोलेनाथ शंकरा। तो तुमने नहीं लगाया तो काम तुम्हारा लड़को यहाँ क्या है मम्मी ने लगाई क्या नमो नमो जी सुंदर ते छुटा तो रे मैं ही भाई तुम दई दो पकड़ अच्छा पहले नहीं। ओ भाई हर हर महाकाल जय श्री शंभो तू रूह है हर हर महाकाल। चलो ये चंदन पापा ठंडा ठंडा लग रहा है मेरा तो ठीक है चल अच्छा है ना भैया ए ए चलो पापा जाओ। मम्मी तुमने टीका नहीं लगवाया हमने टीका लगा अरे दिखाई दे टीका लगा महाकाल का वो भी महाकाल का ना पापा पापा तो लगवा अपने रिंग के लिए कोई महाकाल का जाएंगे पिज्जा खोल दे हनुमान जी का मंदिर और बंद करो पापा गेट तेजी से किला भी जाना अभी मंदिर के बाद किले भी जाना बगले में तो किला भी जाएंगे ना किला मस्त लग रहा है मेरे ऊपर टीका मस्त लग रहा है ना पीछे अभी हम इस मंदिर में दर्शन करेंगे उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना आई डोंट नो बट अभी दर्शन करने आए बजरंग बली के मंदिर में। तो गाइस अभी हम मेरी मम्मी यहाँ से लड्डू लेंगी क्योंकि बजरंगबली में प्रसाद चढ़ाना है ना इसके लिए पापा तो मेरे वहीं पे खड़े हैं। हनुमान जी को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए लड्डू प्रसाद चढ़ता है। जय बजरंग बली तो ये रहा मंदिर बजरंग बली का हनुमान दादा के दर्शन करेंगे उसके बाद हम जाएंगे कहीं और पानी ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरे पापा मम्मी धूप बत्ती जला रहे हैं जय श्री राम जय राम। इसको पानी प्यास लग गई अब ये पानी पिएगी चल पी चुकी हो जल्दी आ जा मेरी मम्मी आगे आगे भाग रही है उसको प्यास लगी मुझे भी प्यास लगी थी मैंने लेके पहले ही पी लिया। अब क्या हुआ पापा को। सो गाइस अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए और पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं बट कोई नहीं देखते हैं यार चलो ना। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम मतलब बहुत टाइम बाद आई हूँ आई थिंक 16 या 17 ईयर्स के बाद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी मंदिर में दर्शन वर्शन हो गए आप लोग पूरा व्लॉग देखो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
अब देखो इसको कम्पट लेना है भाई, ये खाएगी कलर वाले थोड़ा थोड़ा लो ना, ये वाला ज्यादा ना लेना, इतना अच्छा नहीं मैं खाई। हाँ ले 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 ले, कलर वाले ले ले बस। इसको तो खट मिट्टा, इसको ये मोटी को खाने से मतलब है, खाती रहती पूरा दिन। 100 ग्राम कर दीजिए, कभी कंपट खाएगी कभी कुछ खाएगी। हाँ चलो चल ले लिए तेरे कंपट, चल मेरे पास पैसे नहीं, ये भरे तो ऐसे नहीं दिए, वो ऐसे आज तक गिन के पैसा दे दी, कल तो लायक नहीं आई यही से हम जानी थे, तू 200 का 5000 में दे दे, मतलब सब तक पैसा लूट दे रही है। हाँ खाओ खाओ बाबा, हाँ रुको कंपट दे दो, जान दो, रुको भाई रुको, तू चलो 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 गाइस अभी हम जस्ट अभी घर आए, टाइम हो रहा है 7:30 बजने वाले हैं, तो हम अभी जस्ट घर आए हैं, बहुत थक भी गए हैं। एक्चुअली हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि ना मासी का घर रास्ते पर पड़ रहा था, तो उनसे मिलते हुए आए, फिर अभी रिटर्न घर आए तो लेट हो गया, तो उस टाइम पे ना मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था गाइस, तो फिर कोई नहीं, अभी फ़िलहाल अभी घर आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ काफ़ी टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद, सालों बाद में गई थी संगम नहाने के लिए और बहुत मज़े किए, मतलब बहुत अच्छा लगा। सो गाइस ब्लॉग को पूरा देखना और ब्लॉग कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।